नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया। आज बात जाने माने लेफ्ट आर्म स्पिनर राजेंद्र गोयल की, जो कि हमारे बीच में नहीं रहे। क्रिकेट के जगत में किसी पहचान की वो मोहताज नहीं, और अगर क्रिकेट के लिए कोई किताब लिखी जाएगी, खास तौर पर घरेलू क्रिकेट को लेकर कोई किताब अगर लिखी जाती है बॉलर्स को लेकर, तो उसमें सबसे पहला नाम राजेंद्र गोयल का ही रहेगा। अपने करियर में उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और खास तौर पर अगर रणजी ट्रॉफी की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा उन्होंने विकेट लिए 637। इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी 750 विकेट्स उन्होंने लिए। इस तरह के कई रिकॉर्ड्स उनके नाम पर है, और उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद, आज हर कोई, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उनके जाने के बाद जो खालीपन सा महसूस हो रहा है क्रिकेट जगत में, उसको किस तरीके से लोग जो हैं वो महसूस करते हैं। बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स डिजिटल के एडिटर मनोज जोशी। मनोज जी, आपका क्रिकेट में इतना लंबा अनुभव रहा है खेल पत्रकारिता में, आप अपने शब्द में कैसे याद करते हैं राजेंद्र गोयल को? देखिए, बहुत ही मिलनसार और बहुत ही धैर्य, जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट में टेम्परामेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उन्होंने तो ज़िंदगी भर टेम्परामेंट के साथ गुजारा, अपनी पारी का इंतजार ही करते रहे। अब जैसे बच्चे खेलते हैं गली में जी। अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और जब बैटिंग करने की आती नहीं और घर से बुलावा आ जाता है, मम्मी बुलाती है, पापा बुलाते हैं, वो कितने हताश होकर चले जाते हैं जी। और जब उनकी बैटिंग नहीं आती बच्चों की, बहुत निराश होते हैं। तो यही कुछ उनके साथ हुआ, उन्होंने कभी कोई मलाल नहीं किया, और जिसकी वजह से जो मुख्य कारण थे उनका टीम में ना आने का, उनसे भी उन्होंने कोई मलाल नहीं किया, उनसे भी उनकी दोस्ती रही, बहुत मृदुभाषी थे। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, महान लेफ्ट आर्म स्पिनर की जितने विकेट आपके हैं उतने डोमेस्टिक क्रिकेट यानी रणजी ट्रॉफी में, जो कि नेशनल चैंपियनशिप कही जाती है क्रिकेट की, उसमें किसी भी भारत के किसी भी खिलाड़ी के, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर, उसके इतने विकेट नहीं है जो गोयल साहब के थे जी। हाँ मनोज जी, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो जिस चीज़ के, क्योंकि काबिलियत जाहिर तौर पर बहुत बड़ी, लेकिन ऐसे में जिसके वो हकदार थे वो चीज़ उन्हें नहीं मिली, क्योंकि हम भी जिक्र करें लगातार पटियाला की ओर से अगर बात कर ली जाए, या फिर सदर्न पंजाब की ओर से बात कर ली जाए, दिल्ली हरियाणा से रणजी ट्रॉफी खेले, लेकिन आज तक खेल नहीं पाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, या फिर मौका नहीं मिला। दोनों बातें हैं जी, उनको अवसर देखिए वो पूरी तरह से डिजर्व करते थे। दिक्कत ये है कि एक मैदान में एक ही तलवार आएगी, दो तलवारें नहीं आएंगी जी। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, एक कंसेप्ट था भारतीय क्रिकेट के अंदर कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा, एक ऑफ स्पिनर होगा, एक लेग स्पिनर होगा, क्योंकि उस वक्त फास्ट बॉलर्स का वो कंसेप्ट नहीं था, बहुत कम थे, या एक औपचारिकता पूरी करने के लिए फास्ट बॉलर्स अपनी बॉलिंग किया करते थे। लेकिन स्पिनर के तौर पर जो है भारतीय क्रिकेट टीम में उस वक्त बिशन सिंह बेदी मौजूद थे जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, प्रसन्ना वेंकट राघवन ऑफ स्पिनर्स थे, लेग स्पिनर आपके पास चंद्रशेखर थे, दुनिया के बेजोड़ प्लेयर माने जाते हैं चारों। बिशन सिंह बेदी, मैं समझता हूँ, इनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा साबित हुए, क्योंकि दोनों का जो प्लेइंग स्टाइल था वो एक जैसा था। अब कहा ना ये आपको एक मैदान में एक ही तलवार आएगी, लेकिन बिशन सिंह बेदी खेलते रहे और खेलते ही चले गए। और सबसे ज़्यादा मुझे जो दुख हुआ, जिसे कहते हैं एक क्रिकेट प्रेमी की आत्मा बिल्कुल, जिसे कहते हैं रो पड़ेगी ये सुनकर जी, कि जब बिशन सिंह बेदी पर 74-75 की जो सीरीज थी भारत में हुई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें उन पर बैन लगा था, उन्हें अनुशासनात्मक उन पर कार्रवाई की गई थी, बीबीसी को एक उन्होंने इंटरव्यू किया था, उस वक्त बिशन सिंह बेदी उपलब्ध नहीं थे जी। बुलाया गया राजेंद्र गोयल को खेलने के लिए, वो बेंगलोर गए, बेंगलोर में वो अपनी बारी का इंतजार करते रहे और करते ही रह गए, क्योंकि मैच से एक दिन पहले शाम को जो टीम घोषित हुई थी 12 प्लेयरों की, उसमें राजेंद्र गोयल का नाम नहीं था, यानी बिशन सिंह बेदी नहीं थे टीम में, तब भी उनको टीम में नहीं खिलाया गया। इसका मतलब है कि एक लॉबी एक पूरी काम कर रही थी बिशन सिंह बेदी के लिए कि कहीं राजेंद्र गोयल टीम में जगह बना गए और कहीं उनको विकेट मिल गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि बिशन सिंह बेदी साहब का पत्ता ही कट जाए जी। तो ये सारी चीजें बहुत कचोटती हैं, और मनोज जी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग भी है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देख ले तमाम जगहों पर, जैसे अगर बॉलीवुड की बात कर ली जाए, तो हाल में खबर आई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड कमिट किया, उसके बाद जो फैंस में इस तरीके से नाराजगी भी देखने को मिली कि जो वो हकदार थे, काबिलियत होने के बाद भी उन्हें वो मौका नहीं मिला। और उसी तरह इस केस में भी देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र गोयल, जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है, घरेलू क्रिकेट में तो खेले लेकिन आज तक उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौका नहीं मिला, तो फैंस के लिए जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है जी। हाँ बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत का आपने बड़ा सही उदाहरण दिया है, हालांकि वो मामला थोड़ा सा अलग है कि वो सुसाइड का केस था, लेकिन आप देखिए कितने हताश हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत की, उन्हें फिल्मों में आपने 3 महीने काम कराया, उसके बाद हटा दिया,
दूसरे को ले आए, एक दूसरी फिल्म के लिए उनकी बात हुई और पता चला कि वहां पर आप काम कर रहे हैं और आपको फिर लास्ट मोमेंट पर हटा दिया गया, किसी और को लाया गया। ये अपमानित करना कहलाते हैं, ये अपमानित किए गए। इसी तरह से राजेंद्र गोयल तो पूरी जिंदगी भर अपमानित होते रहे। अब आप ये देखिए कि सुनील गावस्कर जो सदी के महान खिलाड़ियों में एक गिने जाते हैं भारतीय क्रिकेट के, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी आइडल्स। उस किताब में, रूपा पब्लिकेशंस की एक किताब थी आइडल्स, उसमें उन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा राजेंद्र गोयल पर। कितनी बड़ी बात है कि राजेंद्र गोयल, जो कि टेस्ट क्रिकेट, कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नहीं थे, टेस्ट क्रिकेट कभी नहीं खेला उन्होंने, उन पर एक पूरा चैप्टर लिखा जा रहा है, सुनील गावस्कर लिख रहे हैं। और गावस्कर साहब ने उसमें एक बात कही जिससे मैं तो गावस्कर का मुरीद बन गया। उन्होंने कहा राजेंद्र गोयल के बारे में कि अगर मुझे बिशन सिंह बेदी को खेलना हो और या मुझे राजेंद्र गोयल को खेलना हो तो मैं राजेंद्र गोयल को खेलना पसंद नहीं करूंगा। इससे जाहिर होता है कि मतलब वो, उनको लगता है कि बिशन सिंह बेदी से के सामने वो ज्यादा कंफर्टेबल है, राजेंद्र गोयल के सामने कंफर्टेबल नहीं है। दिलीप वेंगसरकर, टाइम शील्ड होती थी बॉम्बे के अंदर, उसमें राजेंद्र गोयल खेलने जाया करते थे। वो कहते थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को कैसे खेला जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर, उसकी तैयारी हो जाती थी उनकी जब वो राजेंद्र गोयल को खेलते थे। विजय मांजरेकर, जो संजय मांजरेकर जिन्हें आप कमेंट्री करते हुए देखते हैं, उनके पिताश्री विजय मांजरेकर, वो कहा करते थे कि जब वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे, उनको उन्होंने फंसाया डोमेस्टिक क्रिकेट में, राजेंद्र गोयल ने उनको आउट किया, इनसाइड एज लगते थे और वो आउट होते थे। मंसूर अली खान पटौदी उनके बहुत बड़े मुरीद थे। जब सारी स्थितियां इतनी अनुकूल रही, बिशन सिंह बेदी जो सबसे बड़ी बाधा साबित हुए उनके करियर की, वो कहते हैं बिशन सिंह बेदी कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत भले मानुस, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया बिशन सिंह बेदी ने कि जब उनका करियर शुरू हुआ तो उनसे पहले अपना करियर डोमेस्टिक क्रिकेट का शुरू कर चुके थे राजेंद्र गोयल जी, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट में बिशन सिंह बेदी को मौका मिला खेलने का, तब तक राजेंद्र गोयल खुद को स्थापित कर चुके थे और वो उनसे बेहतर स्पिनर थे। बेदी कहते हैं कि मुझसे बेहतर स्पिनर थे राजेंद्र गोयल। और जब बेदी साहब ने क्रिकेट छोड़ा तो उसके बाद भी वो खेलते रहे, उनका करियर आगे भी बढ़ता रहा राजेंद्र गोयल का। आप ये देखिए कि जो उनका आखिरी साल था 84-85 का, उसमें उन्होंने 39 विकेट लिए थे। मतलब आप अपने पीक पर जाकर रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या छटते हैं क्रिकेट खेलने, 43 साल की उम्र है आपकी, जिंदगी भर कितना पेशेंस रहा होगा, कितना कचोटा होगा दिल उनका। एक शिवालकर होते थे मुंबई में, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। इन्होंने कहा हम तो जिंदगी भर बस अपनी बारी का इंतजार ही करते रह गए, मैं भी और गोयल साहब भी, और गोयल साहब मुझसे बेहतर स्पिनर थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। मनोज जी भी जिक्र किया कि मौका नहीं मिला, लेकिन आज तक गोयल साहब को मलाल नहीं रहा कि उन्हें वो मौका नहीं मिला। नहीं, मलाल तो जरूर रहा होगा इस बात का, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को ना जाहिर नहीं होने दिया। नहीं तो कई प्लेयर होते हैं आज के क्रिकेटर, नहीं मौका मिलता, सिलेक्शन कमेटी के बारे में बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा मुखर हो जाते हैं। वो मुखर नहीं हुए, उन्होंने इस तरह से आलोचना नहीं की। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो किसी विकेट के मोहताज नहीं थे, पिच के मोहताज नहीं थे कि अगर आपको स्पोर्टिंग विकेट मिलेंगी तो आप विकेट लेंगे, स्पोर्टिंग विकेट नहीं मिलेगी तो आप विकेट नहीं ले पाएंगे, ऐसा उनके साथ नहीं था। कई बार उनको स्पोर्टिंग विकेट नहीं मिलती थी तो वहां पर भी वो विकेट चटकाते थे। एक बार तो इंग्लैंड की टीम आई थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, और उसमें जो साइड मैच होता है उसमें 9 विकेट उन्होंने चटकाए इंग्लैंड के खिलाफ। उन्होंने 6 विकेट पहली पारी में और 3 विकेट दूसरी पारी में चटकाए। जब आप साइड मैचों में, जब विदेशी टीम यहाँ आती है, एक तरह से मैं कहूंगा कि राजेंद्र गोयल के खेलने से उनका अच्छा अभ्यास मिल गया, उनको बिशन सिंह बेदी को फेस करने का उनको मौका मिल गया। अब आप पूछेंगे कि भाई बिशन सिंह बेदी में क्या खूबी थी जो इनमें नहीं थी। दोनों अलग तरह के बॉलर थे, हालांकि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। बिशन सिंह बेदी जो है हवा में जो बॉल को रखते थे तो हवा में उनकी गेंद में रफ्तार बहुत कम होती थी, इनकी बॉल हवा में कम आती थी, ये आमतौर पर जो है ना फ्लैटर ट्रेजेक्टरी की गेंद क्या करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही फ्लाइट नहीं करते थे, जब भी फ्लाइट करते थे लेकिन उस पर थोड़ी गति होती थी, ये एक बेसिक फर्क है। बेदी थोड़े दिलेर किस्म के बॉलर थे, बिशन सिंह बेदी रन पड़ रहे हैं तो उनका उस पर असर नहीं पड़ता था, बल्कि खुश होते थे कि मैंने बल्लेबाज को आगे निकाल दिया विकेट पर, अब ये विकेट भी देगा अपना, तो वो विकेट खरीदते थे। खेलने के फॉर्मेट में दोनों में अंतर, थोड़ा सा ये अंतर है, स्टाइल एक था लेकिन दोनों का तरीका खेलने का थोड़ा अलग था। लेकिन बड़ी वजह आप क्या मानते हैं कि इन्हें मौका क्यों नहीं मिला, क्या लॉबी ही एक बड़ी वजह? लॉबी बड़ा कारण हो सकता है उसमें, देखिए पर्दे के पीछे क्या है मैं नहीं कह सकता, बेशक बिशन सिंह बेदी बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स का या उस वक्त की जो बीसीसीआई के अंदर जो लॉबी थी वो बिशन सिंह बेदी के उस वक्त पक्ष में थी। वो बात दूसरी कि बाद में बिशन सिंह बेदी बड़े मतलब आलोचनाओं के केंद्र में आ गए, यहाँ तक कि DDCA में भी उनको कोई नहीं पूछता था उस हिसाब से। लेकिन जब क्रिकेटर, एज क्रिकेटर जब वो खेलते थे तो उनकी तूती बोलती थी, वो कप्तान थे। अब आप देखिए बिशन सिंह बेदी टीम में मौजूद नहीं है जी। आप ये तर्क दे देते हैं कि आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलेगा, एक मैदान में एक ही तलवार रहेगी,
तो फिर ऑफ स्पिनर पर भी ये बात लागू होनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों वेंकट राघवन और प्रसन्ना जो दोनों ऑफ स्पिनर थे, दोनों को आपने एक साथ मौका क्यों दिया? दोनों एक साथ खेल सकते हैं अगर, तो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों नहीं खेल सकते, जबकि दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग था खेलने का। एक हवा में अच्छी फ्लाइट करता था, दिलेर बॉलर था बिशन सिंह बेदी, दूसरा जो है बिल्कुल फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री की गेंद करता था और थोड़ी मूवमेंट उनमें बहुत ही, गति परिवर्तन उनका बहुत ही गजब का था। और मुझे तो उनका व्यवहार बड़ा अच्छा लगता था, जब कभी हम कभी फोनों वोनों के लिए उनसे बात किया करते थे पिछले चैनल में, तो हमेशा कभी उनसे मुझे नकारात्मक जवाब नहीं मिला, चाहे वो सो रहे हो दिन में, उनको वो जगकर बड़े उनसे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के बारे में हम पूछते थे, तमाम सवाल किया करते थे, लेकिन वो बड़े खुलकर और बड़े मृदुभाषी अंदाज में वो हमारी शंकाओं के समाधान किया करते थे। जी, और जाने के बाद, गोयल साहब के जाने के बाद भी कई सवाल हैं जो कि इस वक्त सबके जहन में, और वो सवाल जो हैं वो आने वाले वक्त में भी रहेंगे। मनोज जी, यहाँ पर ये भी चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज के संदर्भ में बात कर ली जाए, क्या आपको लगता है कि आज भी कई ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिन्हें वो मौका नहीं मिल पाता जिनके वो हकदार हैं? जी हाँ, आज ही नहीं, शुरू से चला आ रहा है भारतीय क्रिकेट में। बाबू निवालकर साहब देखिए कितना लंबा उनका करियर रहा, उनको मौका ही नहीं मिला खेलने का। हमारे यहाँ दिल्ली में ही अगर बात करें तो केपी भास्कर बहुत अच्छे प्लेयर थे, उनको बुलाया गया था, वो श्रीनगर में एक मैच होना था, उसमें वो बारिश आ गई थी, मौका नहीं मिला, वो बेचारे बाहर ही रह गए टीम से, खेले ही नहीं, वो उस तरह से अवसर ही नहीं उनको मिला। तो ऐसे कई प्लेयर हैं, शशिकांत खांडेकर यूपी के, उनको अवसर नहीं मिला, और शशिकांत खांडेकर के अलावा वेंकट सुंदरम जो पिच क्यूरेटर बन गए दिल्ली के प्लेयर थे, उनको मौका नहीं मिला, कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला उन्होंने। तो फेरिस बहुत लंबी है, राजेंद्र गोयल, राजेंद्र सिंह हंस, तो वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे यूपी, उनको तो एक बार मुझे याद है फाइनल मैच में 9 विकेट चटकाए थे उन्होंने एक पारी में, बहुत बड़ी बात है, उनको मौका ही नहीं मिला। और शिवालकर बंबई के लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिनका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, वो जिन्होंने कहा कि राजेंद्र गोयल मुझसे बेहतर स्पिनर थे, उनकी खैर बड़प्पन है, दोनों आला दर्जे के स्पिनर रहे हैं, शिवालकर पूरी जिंदगी भर खेलते ही चले गए, उनको मौका ही नहीं मिला कभी खेलने का। क्यों? क्योंकि जी ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर टीम में मौजूद है। तो ये लॉबी काम करती है ना, ये बहुत क्रिकेट को घृणित करती है, और इस तरह की चीजों से आम जो क्रिकेट प्रेमी है उनका विश्वास भी उठता है। जी, जाहिर तौर पर ये चीज़ पहले भी थी और आगे भी, इस वक्त भी, और देखना होगा ये चीज़ें जो हैं वो कब खत्म होती है, क्योंकि मनोज जी हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, ऐसे में क्लोजिंग कमेंट आपका लेना चाहूँगी, आप किस तरीके से याद करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? एक मृदुभाषी का जाना और एक कला, अपनी कला के सिद्धस्थ खिलाड़ी का जाना दिल को बहुत कचोटता है। काश उन्हें मौका मिला होता, काश उनको बेंगलोर में वो मौका मिला होता जिसमें बिशन सिंह बेदी नहीं खेल रहे थे, और उनको बुलावा भी आया तब भी मौका नहीं मिला। और वो मैच इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि उसमें विवियन रिचर्ड्स जो महान खिलाड़ी हैं वेस्टइंडीज के, उन्होंने डेब्यू किया था, अपने करियर की शुरुआत की थी बेंगलोर वाले टेस्ट में भारत के खिलाफ। अगर उसी मैच में इनको मौका मिल गया होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उसके बाद वो उनकी टीम से जगह नहीं जाती, निश्चित तौर पर वो आगे मैच दर मैच खेलते चले जाते। लेकिन उसी का शायद डर था जिसकी वजह से दो ऑफ स्पिनर खिला लिए आपने, लेकिन बेदी के बिना, बिशन सिंह बेदी के बिना आपने एक दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर जो उतना ही प्रतिभाशाली था, कम नहीं था बल्कि कुछ मामलों में उनसे ऊपर ही था, उसको आपने खिलाना मुनासिब नहीं समझा। क्रिकेट प्रेमियों की आत्मा, मैं समझता हूँ, बिल्कुल कचोटती होगी इस बात के लिए, सिलेक्टर्स के लिए, बोर्ड के लिए, भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो, यही हम अपील करते हैं BCCI से, यही हम अपील करते हैं सिलेक्टर से, कि जो डिजर्विंग प्लेयर है उसको उसका हक ज़रूर मिले। जी, और ये कसक है जो कि इस वक्त हर एक क्रिकेट प्रेमी के दिल में, इंसान चला जाता है लेकिन अपने पीछे एक छाप छोड़ जाता है, और आज हर कोई राजेंद्र गोयल को याद करता हुआ। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक कॉमेंट ज़रूर करके बताएं हमें कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसे अपने शब्दों में याद करते हैं राजेंद्र गोयल को। नमस्कार।